हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिस आया है जो कि आरआई के तरफ से, जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जो कि जो एनसीईआरटी ने एस्टेब्लिश किया है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपके टीचर एजुकेशन के लिए स्पेशली बनाया गया है। टोटल हमारे इंडिया में 5 जगह पर पाए जाते हैं ये, जैसे आरआई अजमेर, उसके बाद आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूरू, निरी शिलोंग, एनआई दिल्ली, सीआईटी दिल्ली और आपका पेशी भोपाल। सो ये सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपका टीचर स्पेशली टीचर एजुकेशन के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए उसका नोटिस आया है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या है प्रोसेस, ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है हमारे, जो टीचर एजुकेशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये। इससे आपको बहुत सारा, और इसका जो सिलेबस है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, कैसे आपका जो सिलेबस है वो मैनेज किया जाता है, ये सारा मैं वीडियो डाल दूंगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी है जो जो आरआई का, वो भी मैं मेरे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप 1961 को में बनाया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है। असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। तो देखिए क्वालिटेटिव जो क्वालिटी है स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन का, उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था, और जो आपका एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन का जो इम्प्रूव करने के लिए 1961 में बनाया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। और यहाँ पे देखिए 8 कॉन्स्टिट्यूट है, इसमें टोटल 8 है जो एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आरआई अजमेर, उसके बाद आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूरू, निरी शिलोंग, एनआई न्यू दिल्ली, सीआईटी न्यू दिल्ली, ये सारे है, ओके। तो देखिए एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन फॉर्म एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे बीएससी बीएड 4 इयर्स का, बीए बीएड, एमएससी बीएड, उसके बाद आपका बीएड 2 इयर्स बीएड, और बीएड एमएड 3 इयर्स का होता है, उसके बाद एमएड, ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि आरआई द्वारा रन किया जाता है, ओके। द ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर 2022 टू 36/30/30। तो देखिए 2022 से आपका 36/20/2022 तक आपका चलेगा, अप्रैल से आपका जून तक चलेगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। और आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सी है, जो आपको 24 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, ओके, याद रखिएगा 24 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यहाँ से लिया। इसका मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं, 2 इयर्स बीएड का, ओके, 2 इयर्स बीएड का यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सीई का, ओके। उसके बाद देखिए आपका जो एग्ज़ाम 24 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, याद रखिए 24 जुलाई को। और जो आपका एग्ज़ाम, जो आपका अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और इसमें आप एनसीईआरटी को आप जीमेल भी कर सकते हैं इसके रिलेटेड, ओके। तो देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सबमिशन स्टार्ट होगा आपका 20/20 तक, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो कि 15/24 तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और कॉमन एग्ज़ाम 24 को होगा, लिस्ट देगा आपको 20 को, ओके, जो कि आपका सीई का, जो बीएससी बीएड ये सारे कोर्सेज का, और बीएड एमएड का जो कि 25 को देगा। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सीई 2022 कब होगा, 1 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, 1/8 को, ओके। तो इस तरह से आपका, तो देखिए 1 तारीख का आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और जो बीएड एमएड का 5 तारीख को किया जाएगा अगस्त में, ओके। तो ये था जो नोटिस, शॉर्ट नोटिस, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं बढ़िया से, ओके। तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्वेश्चन पेपर का भी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।